इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि बहुत भाई के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि भाई IN डाईबोर्ड हम कहाँ पर लगाएं, FR डाईबोर्ड कहाँ लगाएं, SR डाईबोर्ड कहाँ लगाएं और एक शॉर्ट की डाईबोर्ड कहाँ लगाएं। क्योंकि मेरे पास एक भाई का बार बार कमेंट आ रहा था कि शॉर्ट की डाईबोर्ड के बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि डाईबोर्ड तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में बहुत चीज़ों के हैं, तो आपको जो है कंपोनेंटों के बारे में समझने की बस थोड़ी सी वो है। अब मैं आपको देखो एक सही तरीका बताता हूँ। एक भाई का कमेंट था कि भाई आपने जो सर्किट बनाया DC लाइन में, उसमें 4007 डाईबोर्ड भी लग सकता है क्या? तो बता दूँ दोस्तों, लग तो सकता है, लेकिन उसका कारण क्या है कि हम उन्हें उसे क्यों नहीं लगाया, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करने के लिए बताऊँगा। देखिए, पहला डाईबोर्ड होता है हमारा IN डाईबोर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 5408 लिया है, जो हमारा इस तरीके का होता है। देखिए, इसके अंदर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए IN डाईबोर्ड 5408, तो ये इस तरीके का डाईबोर्ड होता है। और ये जो मैंने सिंबल बना रखा है, ये जो लाइन है इसके अंदर, ये जो हमारी ये जो लाइनिंग है डाईबोर्ड की, ये सिल्वर कलर की जो लाइन है हमारी, वो इस तरीके से रहती है। तो हमारा ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है। इसी तरीके से ये सारे डाईबोर्ड होते हैं। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ आपको IN के बारे में। IN जो हमारा डाईबोर्ड होता है वो होता है रेक्टिफाइड डाईबोर्ड। उसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं होता, बस उसको सीधा हम अपने जो हमारा ब्रिज सर्किट होता है, जो हम ट्रांसफार्म से अपना ब्रिज बनाते हैं, वो उसके यूज के लिए लेते हैं। क्योंकि उसमें हमें AC लाइन देनी होती है और AC से हम DC को कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हमारा AC से DC IN डाईबोर्ड हमारा बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। दूसरा आ जाते हैं हम, फिर हमारा आता है FR डाईबोर्ड। इसकी ज़रूरत दोस्तों हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम कोई DC सर्किट बनाते हैं, तो DC सर्किट में आप ये देखिए कि हमने अगर उस पर कोई ऐसा सर्किट लगा रखा है जो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत तेज़ी से चाहिए, तब हमें इसकी डाईबोर्ड की ज़रूरत पड़ी FR डाईबोर्ड की। क्योंकि DC सप्लाई के अंदर हमेशा FR डाईबोर्ड लगता है। FR डाईबोर्ड क्या होता है, क्योंकि जब हम इस डाईबोर्ड को लगाते हैं तो हमारी जो DC सप्लाई है, अगर उसके आगे हमने कोई ऐसा लोड लगा रखा है जो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो उसके अंदर ये डाईबोर्ड उसको सप्लाई देने के लिए तैयार रहता है हमेशा। जिसके IN के अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी वो जो हमारी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है वो बराबर रहती है, लेकिन जब हमारा FR डाईबोर्ड चलता है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो बराबर चलता रहता है और स्पीड से हमारे सर्किट को जितनी उसे DC लाइन में सप्लाई चाहिए होती है वो देता रहता है। मैं अपनी आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं हम फास्ट रिकवरी डाईबोर्ड, जिसे हम FR डाईबोर्ड बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम इससे भी ऊपर, ये होता है अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डाईबोर्ड, इसको SR डाईबोर्ड 560 भी बोलते हैं। इसके आगे SR लगा होता है, SR डाईबोर्ड, ये हमारा फास्ट रिकवरी डाईबोर्ड होता है। तो देखिए, ये डाईबोर्ड क्या काम करता है कि जब हमने कोई DC पे ऐसा सर्किट लगा रखा है कि जिसके अंदर बहुत सारी ICs लगी हुई हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, और वहाँ पर हम इस DC सप्लाई का यूज कर रहे हैं, तब जाके हम SR डाईबोर्ड को लेते हैं, जिससे कि हमारी जो ICs सारी लगी हुई हैं वो सही तरीके से काम करे और वो जो स्विचिंग जल्दी जल्दी कर रही हैं उनको ये वोल्टेज देने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इसका भी सिंबल कुछ इसी तरीके से ही होता है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट की डाईबोर्ड। तो शॉर्ट की डाईबोर्ड में ये जो है थोड़ा मेटल का वो हमने इसको मतलब इस तरीके से बना दिया जाता है इसे, जैसे कि एक हमारा टंगस्टन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट की डाईबोर्ड के अंदर एक तो हमारा एनोड जो होता है वो दोनों तरफ होता है, और कैथोड जो होता है दोनों को जोड़ दिया जाता है। उससे जो है हमारा ये दो डाईबोर्डों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। और इसका यूज इसलिए किया हमने DC लाइन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, जब हम ये नॉर्मल डाईबोर्ड लगाते हैं तो हमारी वोल्टेज जो है 0 से 45-50 के आसपास थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है हमारी वोल्टेज,
लेकिन जो शॉर्ट की डाइबोर्ड का जब हमने यूज करा तो इसके अंदर वोल्टेज जो ड्रॉपिंग है वो बहुत कम है, 07, 06, 09 के आसपास इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉपिंग है। लेकिन इसको ज़्यादातर आपने देखा होगा SMPS सप्लाई में देखा होगा। और एक शॉर्ट की डायोड अगर सिंगल में यूज करते हैं तो वो इस तरीके का होता है, सिंगल के अंदर उसका निशान। लेकिन ज़्यादातर अब जो नए सर्किट बन रहे हैं उसके अंदर दोस्तों क्या है कि शॉर्ट की डायोड की जगह SR डायोड का यूज करते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये भी चल जाता है, देखो सुपर फास्ट डायोड। तो ये जो हमारा SR डायोड है ये भी काम करता है, क्योंकि ये IC के लिए ही बनाया गया है। तो अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये लैपटॉप की पावर सप्लाई है। तो एक भाई का जो कमेंट था कि हम शॉर्ट की डायबोर्ड का वीडियो बनाऊं, तो मैं उनकी जो दिक्कत सही करना चाहता हूं। तो देखिए, तो उनको ये प्रैक्टिकल करने के लिए ये मैं सप्लाई लेकर आया हूं, जो वो एकदम अच्छी तरीके से समझ जाएं। अब ये देखिए भाई दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर ये हमारी सप्लाई है लैपटॉप की। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर शॉर्ट की डायबोर्ड का एक प्रिंट बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें 3 सुराख है, मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें अंदर 3 प्रिंट बने हुए हैं। इसके अंदर शॉर्ट की डायोड लगाने के लिए एक जगह दे रखी है, देखिए हीट सिंक का भी निशान है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए SR डायोड को SF डायोड है जो मैंने यहाँ बताया था, SF मतलब कि सुपर फास्ट रिकवरी डायोड। तो इसके अंदर देखिए इन्होंने क्या करा है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 डायोड जुड़े होते हैं, जो हमारा शॉर्ट की डायोड होता है उसके अंदर 2 डायोड जुड़े होते हैं। तो देखिए इस सर्किट के अंदर इन्होंने क्या करा है, देखिए 2 डायोडों को ही देखिए एक साथ जोड़ दिया है, और एक साथ जोड़ने के बाद देखिए इस सप्लाई को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसे कि एक शॉर्ट की डायोड काम करता है। तो देखिए इसमें SF डायोड लगा हुआ है, सुपर फास्ट रिकवरी डायोड देखिए। और देखिए एक दूसरी सप्लाई है मेरे पास, वो भी सेम ऐसी है, देखिए इसके अंदर भी शॉर्ट की डायोड की जगह बना रखी है, लेकिन इसके अंदर डायोड कौन सा लगा रखा है, SF डायोड। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको शॉर्ट की डायबोर्ड अगर कहीं नहीं मिल रहा है शॉर्ट की डायबोर्ड, तो आपको सीधा क्या करना है, SF वाला जो डायबोर्ड आता है हमारा, SF डायबोर्ड जो आता है वो आप उसकी जगह पे लगा सकते हो। लेकिन आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 डायबोर्ड आपको उसके अंदर 2 डायबोर्ड जो है वो आपस में दोनों को जोड़ के लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सर्किट में दिखाया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये सिल्वर कलर की जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये हमारी एनोड हो जाती है, ये भी एनोड और ये कैथोड, जो हमारा ये मैंने आपको साइन बना के दिखा रखा है। तो ये डायोड जो है हमारे ये इसी तरीके से लगाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी, और जो मैंने आज आपको डायबोर्ड के बारे में बताया कि डायबोर्ड जो हमारा NI डायबोर्ड होता है वो AC लाइन के अंदर यूज करना चाहिए, जो हमारी DC लाइन है अगर वहाँ पर कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है या कोई और सर्किट लगा हुआ है तो अपना FR डायबोर्ड का यूज करना चाहिए, और अगर कोई ज़्यादा हैवी सर्किट है जिसके अंदर IC वगैरह या ज़्यादा यूजिंग में है तो उसके अंदर हमारा SR डायबोर्ड और सुपर फास्ट डायबोर्ड जो होता है हमारा SMPS के लिए, उसके अंदर आपको SF डायबोर्ड का यूज करना चाहिए, जो मैंने अभी आपको सप्लाई में दिखाया। तो दोस्तों आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी, और अगर आपको कोई और जानकारी मेरे से चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना।